बाद में बहुत लोग आए कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ बस हम देश बजा रहे हैं। शरद जी, डॉक्टर मनमोहन जी साहब, राहुल गांधी मंच पे बैठे देश के अलग अलग पार्टियों का नेतृत्व करते हुए आज यहाँ शांति निवास के अंदर हिस्सा लेने जो आए थे और सामने जो खड़े हैं बैठे हैं आप सबको नमन करता हूँ। मैं यहाँ क्यों आ रहा हूँ, हमने बातें सुनी, 70 साल हो गए आजादी को, किसानों की बात हो रही थी, उत्तम खेती, आज क्या हो गया है, घटिया खेती, बच्चे खेती नहीं करना चाहते यार, देखो नारेबाजी में लगा दो, उनको आप जैसे बर्बाद करना है कर दो, क्राइम में डाल दो, नशे में डाल दो, पर हकीकत यह है उनका बाप जब उनसे कहता है बेटा नहर का पानी आया है जाके नाका बदल दे, तो बाप से कहते हैं कि हम नहीं ये विरासत की बात होती है, शांति विरासत की बात होती है, शांति विरासत में सबसे ज्यादा हिस्सा है तो किसानों का है, और वो किसान आज आत्महत्या कर रहा है, आत्महत्या कर दिया है, उसको हत्या के कगार पे लेके आए हैं सरकार, सरकार हत्या की दोषी है आपकी या बोला की, समझना पड़ेगा कि विरासत को आगे लेके जाएंगे का यही विरासत लेके जाएंगे हम आगे, जिसमें आज 4 लाख किसान आत्महत्या कर रहे हैं, समझने की बात है, जीने की बात है, और मैं दावे से कहता हूं, धंधे की जोर से कहता हूं, क्योंकि मैं यहां देखता हूं आधा उत्तर प्रदेश का पद है, आप सबको मालूम है पिछले 20 साल में जब पूरे देश के अंदर 4 लाख किसानों ने आत्महत्या करी होगी तो उत्तर प्रदेश में आंका हजार का नहीं कर हमारे यहाँ 50 लाख करना किसान है, देश समय पैसा मिलता है, जैसे डेबिट कार्ड आ जाता है, और आज तो हमने 4 दिन का भी काम करने जाते हैं फोन फोन के माध्यम, वो सरकार ने माफ कर दिया, सरकार के खिलाफ गए हाईकोर्ट ने उसको भी कहते डिसीजन खारिज करा दिया, फिर दूसरी सरकार के पास आया, अब ये भी सरकार को एक बार सुप्रीम कोर्ट में आ गए, और हम दावे से कह सकते हैं ये कृषि प्रधान है हमारे साथ कर, हम इसमें एक एक पैसा हम ब्याज का, क्योंकि हम जब खेती करते हैं ब्याज लगाते हैं, ब्याज देते हैं खाद के लिए बीज के लिए, और जब हमें पैसा टाइम पे नहीं मिलता विलंब के कारण हमें दिल्ली तक देनी पड़ती है, वो पैसा पूरा हमें मांग लेते हैं, मुश्किल तो यह है पिछली बार
किसानों के साथ जो 2 साल 70 साल में हुआ है आगे बढ़ने का बहुत बहुत।